हाथरस जनपद के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के गांव ब्रिवरी में एक पेंट फैक्ट्री के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से वहां रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जहां दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में अनेक मजदूर घायल हुए और आग लगने की संभावना शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं दमकल कर्मचारियों के अनुसार आग देर रात किसी वक्त लगी ही, मगर जानकारी सवेरे मिलने से ही सामान काफी जल चुका है। इस है हमारे हाथरस के संवाददाता रवि कुमार और कैमरामैन फैजाद बेग की ये खास रिपोर्ट। आज सुबह थाना हाथरस गेट में सूचना प्राप्त होती है कि कलर की फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।